देखो जी भैया, आज फिर आ गया हम मील रोड पे, जो कि इधर की साइड मील है और इधर की साइड बाजार है और मवाना रोड है जी। वो जो मवाना से जा रहा है मील रोड की तरफ, वो वाला रोड है। और यहाँ पे आज हम आए हैं राहुल भाई के पास, पिंड वाले के पास, जो कि राहुल भाई की यहाँ पे शॉप है, जिसमें कि बोर्ड भी आप खुद ही देख सकते हो। सबसे ऊपर बोर्ड है इनका राहुल के नाम से, पिंडा भी दिख रहा होगा आपको भाइयों को। और जिसमें कि राहुल भैया ने यहाँ पर देखो दो लोहे के सेट बना रखे हैं, ऊपर नीचे हैं दोनों ही। इसी भाई को अगर इस कलर का चाहिए, मतलब हल्के से लाल कलर बोल दो क्या, तो इस कलर का मिल जाऊगा। किसी भाई को हरे कलर का चाहिए, हरे कलर का मिल जाऊगा। बाकी बिल्कुल पन्नी वन्नी चढ़ा के बेहतरीन तरीके से देते हैं, किसी भाई को कोई दिक्कत ना आवे, कहीं भी ले जाओ बिल्कुल पन्नी वन्नी पैक कर। और हरी टाइप के टायर भी देख सकते हो कैसे कैसे टायर है। और किसी भाई को ऐसा टायर लगवाने तो ऐसे भी लग जाऊंगा। और जो मनीष भैया का पिल्ला है, जो कि इन्होंने पाल रखा, आप दिखाते हैं अंदर की तरफ को आप सभी भाइयों को कि एक पिड्ढा बिल्कुल तैयार हो चुका है, जिसमें कि बांस की बम डल रही है। ये देखो कहाँ है कुट्टी काटने की मशीन भैया, किसी भाई को चाहिए तो कुट्टी काटने की मशीन भी है। वो थ्रेसर वाली मशीन नहीं आती, जो थ्रेसर वाली आवे वो कहाँ है, खत्म हो रही वो तो यार हमें चाहिए। देखो जी काफी सामान, अंदर तक और भैंसियां बजी हुई हैं। देखो जी किसी भाई को कैसे भी करेगा कुछ भी ले लो। और बांस का तो देखो भंडार है, पूरा एक ट्रक बांस आ चुके हैं। अगर किसी भाई को बड़ी और लंबे बांस ही हैं, चाहे कितने भी लंबा जोटा हो, पूरा काम कर देंगे। हाँ जी मैं भाई कह रहा फुल साइज देख लो, कितने फुट का हो पूरा बड़ा, 15 भैया 15 फुट का बांस है, कितना भी लंबा जोटा दे दियो। और बिल्कुल कैसे ही कलर का ले लो, जैसे कि लाल कलर का है, इसमें बिना तख्तों का जो थोड़ा तख्तों वाला, और ये हरे कलर का है, जैसा कलर भी किसी भाई को करवाना बिल्कुल अपने हिसाब से बन जाओगा। और कुछ नया आइटम है, नया आइटम हाँ ये रे नहीं खुदिए बुने हुए पिट्टे हैं आपका, अगर किसी भाई को जब बुने हुए की जरूरत है बुना हुआ ले लो। ये मुरब्बे आंवले का मुरब्बा या सेब का मुरब्बा, अभी रेट बुझ जाएंगे। और बांस का भी है, अब चलते हैं राहुल भाई जी की तरफ। जो गाएंगे जी शीशम की, भैया शीशम की लकड़ी है साइड में लगाने के लिए, बहुत ही स्पेशल वाली, अभी तैयार कुछ ये है तो ये बिना तैयार हुई भी साइड में लगाने के लिए। पीछे की दिखे है ये साइडों में लगाई जाती है। अच्छा तो पीछे के तकते डिजाइन वाला भी वाला दिखाइयो, इस साइड वाले पीछे वाले पीछे का तकता है, इसमें लग जाओगे हो। हाँ इसमें लगता है, इस तरीके की डिजाइन है। देखो जी कैसे ही डिजाइन ले लो अपनी मनपसंद छांट के, शीशम के तकते सही है।
अब चलते हैं राहुल तरफ की तरफ। तो भैया एक बार तो अपना नाम बता दो। राहुल मवाना पेड़े वाले। राहुल मवाना पिट्टे वाले। तो राहुल भैया जैसे कि आपने यहाँ खनस्ता दरख के लगे तो क्या क्या रेट है इनका, जैसे इनमें क्या क्या वैरायटी? बांस का है, सेब का है। अच्छा, बांस का, सेब का, हर तरह की वैरायटी। अच्छा अच्छा, तो इनमें रेट क्या क्या है इनके, अलग अलग रेट है या फिर? हाँ, अलग अलग रेट है, माल की गारंटी होगी हर तरह से। खराब नहीं निकलने का, खराब नहीं निकलने का चेक करवाता हूँ यहीं पे बोल के, यहीं पे इंसान खाओ चाहे जानवर खाओ। अच्छा अच्छा, मिलेगा सफाई एक नंबर का। अच्छा अच्छा, तो इनमें मतलब आंवले का क्या रेट चल रहा? आंवले के रेट असल में आंवले के मुरब्बो के रेट थोड़ा ऊपर नीचे चलते रहे। अच्छा, मतलब जब कोई आओगा यही बताओगे या बता सको? नहीं मैं बता दूं, बताने कोई दिक्कत नहीं। मान लो आप गाड़ी आई, अब तो आई जो गाड़ी हम जो रिटेल कर रहे 600 के 700 के बीच में कर रहे हैं। 600 का एक रास्ता, 600 का। हाँ ठीक है, 1500-1600 किलो का वेट है उसका। ठीक है, बाकी अगली गाड़ी आती है रेट के ऊपर बात है, फैक्ट्री का कैसा रेट। फिलहाल अब रेट क्या चल रहा है जैसे की भाई? अब रेट 600-700 मान लो है ना, 700 रुपए। तो आंवले का तो रेट हो गया, अगर बांस के मुरब्बे का रेट है? बांस के मुरब्बे का भैया लेके 1800 रुपए से 2200 रुपए तक का। अच्छा, कितने किलो का? वो है 17 किलो का, 18 किलो का। और जो यो सेब का हो गया जी? सेब का मुरब्बे का लगभग 1400 रुपए का। 1400 रुपए का। अच्छा अच्छा, तो ये पिड्ढे जैसे आप बना रहे हो आप, जब बाहर रखाओ वाला, आ जाओ बाहर को जाओ। जैसे वाला पिड्ढा आपने तैयार करा जी भैया, तो इसमें बांस की बम डालेंगे या फिर वैसी वाली बम डालेंगे? वो तो कस्टमर के ऊपर बात है, बांस की डलवाना चाहो बांस की डाल देंगे, और निगम की क्या है, निगम की स्याल की क्या है, स्याल की। नहीं मैंने सुना कि भाई जैसे हमारे इन पिड्ढों में जब सदी बम डल जाए, वैसे डलने लो वक्त उससे हिलन लगे। हाँ वो पिड्ढे के ऊपर बात है। अच्छा अच्छा, कौन कैसा पिड्ढा बना रहा, मेरा अपना मैन्युफैक्चरिंग है, अपना बना रहा हूँ मैं हर चीज। ठीक है ना, तो मुझे अपने पिड्ढे में विश्वास है, मेरे पिड्ढे में जिला उत्तर प्रदेश है मेरे पीड़े में, टूर्नामेंट भी डाल लो ना तो मेरे से बता दो, मेरी जिम्मेदारी। ठीक है ठीक है, तो ये तैयार कितने में हो रहा है सारे पिड्ढा? ये वाला पीड़ा लेके 8500 रुपए से 10000 रुपए तक का है। मतलब बांस की बम में आप साथ ऐसी बम में? बांस की बम में। ठीक है, और निगम की बम में 11500, सियाल की बम में 12500, अलग अलग है थोड़ा सा। और वो जो बन्नो वाला पिड्ढा तैयार हो कितने में हो रहा? बन्नो वाला पिड्ढा आप देख रहे होगे मेरे चैनल पर राहुल मवाना के नाम। हाँ देखा देखा, मैंने उसको पीड़े वाले में भी चेंज कर दिया, पहले सस्ता पीड़ा चलता था, अब मैं उसको आके सिसो की पट्टी लगा के दे रहा हूँ आगे पीछे। क्यों? ये जो पीड़ा है शुरुआती दौर का है, कुछ किसी ने कोई चेंज नहीं करा। ना ना, बिल्कुल वही चलता रहा। मैंने सोचा इसमें भी कुछ चेंज करा जा। बिल्कुल चेंज करना भी चाहिए। किसान भाइयों की बात बोल दो, गरीब पीड़ा बोल देते भाई 6000 का, 6500 का, 7000 का, तो मैंने उसमें चेंज कर दिया, उसमें पीड़े में पट्टी दी सिसो की डिजाइन दे दिया, तो उसकी कीमत 7000, 7500, 8000, 6000 और एक बात और, पीड़े में शिकायत होती थी टायरों की सबसे ज्यादा, अब कंपनी के टायर लग रहे हैं फुल गारंटी 2 साल की उनकी, सीएट की। मेरे ऐसे नहीं, कहीं से भी चेंज कर लो, सीएट है, चेक करके लो। और कुछ नाथ जेवड़ा वगैरह है? नाथ जेवड़ों की होलसेल भी है मेरे पास, और रिटेल भी है। दिखाओ कोई कहेगा होलसेल तो होलसेल। एक नाथ जेवड़े और जुए भी मिलेंगे मेरे पास, बने बनाए। ये जुआ कितने का मिलेगा जी? बना बनाया ये जुआ मिलेगा आपको 300 रुपए। 300 रुपए का? 300 रुपए। तो इसका मतलब साइज कैसे छोटा बड़ा होगा? साइज जैसा आप कहोगे वैसा बनवा देंगे, बाकी मैंने जो बना रखे अपने हिसाब से सारे साइज ऐसे बनवाता हूँ, भाई हर किसान का अलग अलग वो। हाँ हाँ ना, 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 तो नॉर्मली सब आ जाते हैं, मैं ऐसा साइज बनाता हूँ। एक चीज हो रहा है, तो आप खुद ही बनाओ या फिर कैसे? हाँ सब अपना ही है। अच्छा अच्छा, सब अपना। एक चीज हो रही है, लोग बाको किसान भाइयों को जो ईक होती थी उसे चोट में बहुत दिक्कत है। हाँ जी जी, तो उसके लिए मैंने ये करा है, नहीं ना, वो जुगाड़ बहुत बढ़िया करा तुमने। इसमें दो तरह का, आप कहो तो इसमें बांस भी लग जाएंगे, ठीक है, और बांस भी लगाना चाहते हो तो रस्सी से कल्टीवेटर में बांधो और लगा के चल दो, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा सुविधा होती है। हाँ ना, ये तो है, जानवर को भी चलने में सुविधा होती है, रगड़े नहीं लगते साइडों में, रगड़े नहीं लगते। हाँ साइडों में रगड़े नहीं लगते,
पर इसकी जगह एक गड़ पकड़ दे, इसकी जगह पट्टा वगैरह होना था। हाँ पट्टा भी है, पट्टा भी है, ये भी है, पट्टा भी है, डीए भी है। और इसमें एक चीज और आ रही है, बेल्ट होती है ना वो भी है इसमें, अगर चाहो तो बेल्ट भी डलवा दूंगा आगे। जो कितने का तैयार होगा जी? ये वाला फुल तैयार, फुल तैयार, बांस की कीमत में मिलेगा 1450 रुपए का। अच्छा बिना बांस वाला? बिना बांस वाला 550 रुपए का, 550 मिलेगा। बेल्ट वाला 650 रुपए का। अच्छा अच्छा, हाँ ये ले। और झूल वगैरह कहाँ है? झूल वगैरह अपने पास है, अभी गई हुई है ऑर्डर पे बनने। अच्छा बनना गई है। ये नाथ बोलते हैं कि हमारा कोई जानवर नाथ नहीं मानता, लेकिन मेरा कहना है किसान भाई से, देखो ये तो उपचार हर तरह के है, गलत तो नहीं कह रहा मैं भाई, जानवर है नाथ नहीं मानना, चैन डाल दोगे आप बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लेकिन उससे पहले उसका एक उपचार करो, एक खोया लो तेल का, देसी तेल का, एक हफ्ते तक उसके नत्थों में डालो, ठीक है, खुला छोड़ दो, जिससे उसके नत्थू मुलायम पड़ जाएंगे और आप हल्की नाथ में डालोगे तो वो भी वो मानने का। इसकी जरूरत नहीं डालने की। यो कैसा जी, यो वो है क्या? हाँ जी की नाथ बोलना है। हाँ जी, ये अंधे की नाथ बोलते हैं ना, उल्टी बट्टी भी ये होती है, कट्टो वाली नाथ, बिल्कुल कट्टे ही है, ठीक है, हाँ जी वाली, हाँ जी वाली। जो कितने की जी? ये 100 रुपए की मार, 100 रुपए की मार। तो मेरा भाई उसका कहने का ये है, किसान भाई देखो जानवर है, जानवर अपनी जगह काम करता है, लेकिन कुछ तुम्हारे भी फर्ज है कि उसे सही रखना और कैसे चलाना। तो राहुल भाई एक बात और बताओ, जैसे कि अब तुमने पिड्डा दोगे, लोग भैया क्या होंगे, तो हैंड टू हैंड बन जाओ पिड्डा, जैसे कुछ भाई यहाँ परेशान हुए हैं, जैसे ड्यूटी पे रहे हैं, कुछ भाई पुलिस में भी हैं, कुछ भाई फौजी भी हैं, तो उन्हें हैंड टू हैंड चाहिए लगे, तो हैंड टू हैंड मिल जाओ। हाँ मेरे नंबर का कॉन्टेक्ट करो मेरे से, एक बार अपना नंबर और बोल दो आप। मेरा नंबर लाइट खोल दे भाई, मेरा नंबर है 8886802020010। तो इसी नंबर पर भैया संपर्क कर लो, सभी भाई संपर्क करें, और उनके लिए खासकर फौजी भाइयों के लिए मेरी दुकान पे एक ऑफर है। हाँ जी, क्योंकि फौजी भाई मेरा देश की तो सेवा कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, और अपने जानवरों की और खेती की भी सेवा कर रहा बिल्कुल, है बिल्कुल। जिनकी वजह से हम लोग चल रहे हैं। हाँ जी, तो फौजी भाई के लिए क्या ऑफर मिलेगा? उनके लिए एक सेवा है फौजी भाई के लिए। हाँ जी, वो मुझे फोन करे, अपना ऑर्डर लिखवाए, ठीक है ना, उसके पीड़े की जब तक वो किसान ना करेगा, अपना मतलब किसान योजना में जुड़ा रहेगा, जब तक उसके लिए फ्री काम मेरी दुकान, कुछ भी करवा लो, कुछ भी करा ले। अच्छा। मेरी दुकान में फ्री काम उसका, फौजी भाई का, ये फौजी भाई के लिए ऑफर है, और मैं फौजी भाइयों के ग्रुपों में जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसमें ही बोल देता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। और उनके लिए तो भाई कहते हैं मेरे पास बने हुए मिलेंगे, आज तो बहुत कम है, ऑर्डर पे चले गए सुबह 10 पीड़े बिजनौर की तरफ गए हैं, ठीक है, तो मेरे पास कभी भी आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो फौजी भाई के तो तुमने ऑफर कर दिया, एक आधा सदे किसान के भी ऑफर कर दो, कुछ ना कुछ, जैसा कि भाई पिड्डे के साथ मैं गिफ्ट दे दूं उसे, छोटा मोटा ही गिफ्ट दे दूं, ज्यादा नहीं बड़ा, क्योंकि देखो बेचारा किसान भी। चलो ये भी आपकी बात, ये बात, किसान भाई आएंगे उसका आदर सत्कार जरूर होगा, और उसके लिए जो भी ऑफर होगा वो जरूर किया जाएगा। नहीं फिर भी छोटा मोटा कुछ भैया ऑफर हम किसान को भी दे देंगे, जैसे कि आपने फौजी भाई को बोला कि भाई पिड्डे के लिए प्रिपेयर फ्री है, तो पेटी फ्री कर देंगे, पेटी फ्री कर दो, पेटी फ्री अच्छा, कर देंगे। या पेटी के साथ मतलब पेटी नहीं दे सकते तो नाथ कोई भाई नाथ लेना चाहे दे सकते, तो नाथ दे सकते हैं, मतलब जो उसका कड़ा ले लो, नाथ ले लो, जो जो भाई लेना चाहो एक आइटम दे देंगे। अच्छा अच्छा, तो राहुल भाई कोई ठंडी वगैरह भी है आप, या कंटे वगैरह की, या फिर कंटे वगैरह की पहनी वहनी सब मिलेगी, रिटेल नहीं है, होलसेल है उनकी मेरे पास। अच्छा अच्छा, रिटेल अभी बंद है क्योंकि होलसेल पूर्ति नहीं हो पा रही, कम आ रही है, बरसात का मौसम चल रहा है, आप लोगों को पता है सब जगह पानी भरे हुए हैं। राहुल भाई एक बार बांस की रेट और बता दो, जैसे भाई कुछ बांस के लिए, बांस आज कल ही आया मेरे पास, ठीक है, बांस की सारी सुविधा है, बांस पेंट करके चाहोगे तो पेंट करके मिलेगा, मूड करके चाहोगे तो मूड बना के नहीं, तो पेंट करवा मतलब तैयार, जैसे कोई भाई फिर घर रहे बांस यहाँ चले जावे तो तैयार कितने मिल जाओ बांस, मतलब सब जाते पेच लगाने, जाते पेच लगाने 600 रुपए के मात्र, दोनों तैयार भी, तैयार करके सब कुछ आगे आगे लग के, सब कुछ बेहतरीन करके उसको जाके बस सिर्फ बोल्टी जुआ अलग से लगाना है ना, बस जुआ अलग से है ना, वो तो अपने लगाएगा लगाएगा। और बांस भी एक बात मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि कोई भी भाई पीड़े में सिर्फ बांस की कीमत होती है, और बिल्कुल बिल्कुल सबसे अच्छी बात बांस की, बांस अच्छे से ले, हाँ कहीं से भी ले, मेरी दुकान से नहीं, जहाँ से उसे पसंद है बांस ले, सीढ़ी का बांस ना ले, उसकी पहचान होती है लाल कलर का होता है, थोत्ता होता है,
जो पिड्डे का होगा इस कलर का हरे कलर का होगा ना, जैसे पिड्डे का पास होगा हरा होगा, सिका होगा कालेपन पर होगा, और इसमें मतलब कहते हैं ना कि वजन होगा, वजन नू ना सोचना कि गिल्ला है तो वजन है, बिल्कुल नहीं नहीं, पिड्डे के पास में हमेशा वजन रहता है और सूखने के बाद भी भारी रहेगा। एक बात और बताओ राहुल जी, जैसे कि पिड्डा हिलन लगे जी, तो हिलने के कारण क्या है, मतलब आगे पीछे से पिड्डा से मान लिया हिल रहा डूलर लगे। देखो वो अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बात है, कौन फ्रेम कैसा बनवा रहा है, ठीक है। फर्स्ट तो ये होता है कि फ्रेम कैसा बन रहा है, फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा होता है कि बम कैसे लगा रहा है, बम कैसे लगा रहा है, हाँ दुकानदार आदमी बम कैसे लगा के दे रहा है, ठीक। कुछ देखा होगा आपने के बांस ऊपर नीचे हो जाते हैं हल्के, हाँ, 19-20 अंतर से ही बांधने लग जाता है। कुछ कहते हैं, कुछ होता है कि हमारी बम तो होती है बड़ी और हमारा लवारा होता है छोटा, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, संपर्क करे, मेरे से फोन करे, अगर किसी के पेड़े में शिकायत आ रही है तो मुझे बताए तो सही कर दोगे, मैं उसको सही करूंगा, जहाँ तक की उम्मीद है उसका निवारण करके दूंगा। जैसा राहुल भाई अब आगे जैसे गंगा जी नदी का जाओगी तो तुम्हारे पास भीड़ काफी हो जाओगी जी जी, तो मतलब आदमी को कितना टाइम लग सके पिड्ढा लेने में? मेरे पास हाँ, मेरे पास 20 से 30 मिनट लगेगी अब पिड्ढा लेने में, अब पिड्ढा लेने इस टाइम, हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने अब जो प्रोसेसर चालू करा है, मैंने प्रोसेसर चालू करा है कि किसान भाई कोई मुरादाबाद से है, कोई बाहर से, कोई बिजनौर से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो उन्हें 2-3 घंटे आने में लग जाते हैं, प्लस 2-3 घंटे मेरी दुकान पे है, क्योंकि भीड़ भी रहती है सब चीज। लेकिन मैंने अब कुछ ऐसा सिस्टम कर रखा है कि पीड़े मेरे पास तैयार मिलेगा आपको, तैयार मिलेगा, बांस आपको छांटने मेरी दुकान पे आके और बांस लगवाओ और लेके चले जाओ, चले जाओ। तो पेंट होगा कितना तैयार मिले बांस? पेंट होने की सुविधा सब फोन पे होगी। अच्छा अच्छा, हाँ वो आपको कहना पड़ेगा फोन पे, फोन की पेंट कर लो, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जी, अब राहुल भाई की बात कैसे लगी, सभी भाई कमेंट भी करियो। हाँ जी, एजेंसी आ चुकी है कुट्टी मशीन की, कुट्टी मशीन की, हाँ, किसी भी भाई को कुट्टी मशीन। तो राहुल भाई एक बात और बताओ, जो थ्रेसर वाली मशीन आवे जी जी, वो थ्रेसर वाली मशीन मुझे भी चाहिए, हाँ, तो कितने की पड़ जाओगे थ्रेसर वाली मशीन? 11,500 रुपए से 11,500। अच्छा अच्छा, तो 16,500 रुपए की गारंटी वारंटी कुछ रहेगी या फिर? हाँ उसकी गारंटी आती है कि गुच्छा ना फंसने की। अच्छा अच्छा, हाँ गुच्छा फंस जाता है ना, नियार काटते गुच्छा उसकी आती है। तो कुट्टी यो वाली बारीक देवे, वो वाली बारीक देवे ज्यादा? वो होती है चाल चक्री के ऊपर। अच्छा अच्छा, अगर आप चाल चक्री लगा लोगे 18 दांतों की तो बारीक आएगी, और आप लगाओगे तो 15 दांतों की थोड़ी मोटी आएगी। तो उसमें गंडासे नहीं लगते? हाँ गंडासे भी लगते हैं, गंडासे भी लगते हैं, बारीक कुट्टी के ऊपर कह रहे हो ना? अच्छा अच्छा, हाँ नहीं एक पत्ती वाली भी तो आ रही, थ्रेसर वाली पत्ती वाली, वैसी वाली जो है ब्लेड वाली जो चल रही है। अच्छा अच्छा, ब्लेड वाले के लिए कह रहा है, उसके ब्लेड चेंज होते हैं काफी टाइम में होते हैं उसके। अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं होते उसके ब्लेड। चलो जी, अगर किसी भाई को चाहिए तो संपर्क कर लियो राहुल भैया से, कॉन्टेक्ट कर लियो। चलो जी।